हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसटेट टीजीटी मैथ का सिलेबस, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैंने कमेंट देखे। वैसे तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस है, और जो मेरा एसटेट क्लियर है वो भी साइंस वाला है, टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री। लेकिन जितना मुझसे एक्सप्लेन हो पाएगा उतना मैं टीजीटी मैथ का है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। कौन सा जो सिलेबस आपका कैसा रहेगा, तो ये वाला जो सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक पार्ट का लिखा है जो हमारे पास ये वाला होता है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री वाला। उसके बाद ये समझा के इसको इरेज करके वापस लिख के, उसके बाद देखो ऐसे 3 बार मुझे लिखना पड़ेगा। एक बार ये लिखा, एक बार सेकंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम, उसके बाद कंबाइनली इन वीडियो को जोड़ के एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो वहां से जितना भी हेल्पफुल हो पाएगी ये वीडियो आप देख लेना। अगर हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कुछ हेल्प आपकी हो पाई से। वैसे मेरा टीजीटी मैथ है वो क्वालिफाई नहीं है, कहीं आपको ये लगे मैं कि झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे ये वाले जितना मुझे इस चीज की नॉलेज है उतना मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो ये तीन पार्ट में वो आपका सिलेबस है वो डिवाइड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे कौन सी यूनिट हमारे पास रहेंगी। सबसे जो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आती है वो आती है रोमन न्यूमरल्स की, जहाँ पे हमें रोमन नंबर नहीं लिखने सीखने होते, तो वो वाले होते हैं। वो अगर आपने एक बार 1 to 100 लिखने सीख लिए तो उसके बाद अगर वो आएगा तो आप कर पाओगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना वो आपको मिलेगा आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में। कोई सा भी पेपर हो, टीजीटी पीजीटी, तो आपने एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देनी है। अगर आप एनसीईआरटी को कर सकते हो तो पहले आपने एनसीईआरटी करनी है। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग वगैरह ले रखी है तो फिर आपको ये वाली वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मुझसे भी अच्छी तरह से वहाँ पे आपको सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हमें करना है। उसके बाद सेकेंड है होल नंबर। तो ये वाली जो यूनिट रहेगी होल नंबर वाली, ये आपकी रहेगी क्लास 6th की। ये भी जो चैप्टर है आपका वो क्लास 6th में ही आता है। उसके बाद नेचुरल नंबर, देखो ये वाली चीजें है ना छोटे छोटे, ये छोटी क्लासेस से ही शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट 4th और 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। 6, 7, 8, 9, बस इनका लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है, बाकी ये चीजें हमें छोटी क्लासेस से आ जाती है। तो इसका कुछ पोर्शन आपको 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा और 9 में भी मिल जाएगा। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर जो ये यूनिट है वो आपको मिलेगी 6, 7 में। उसके बाद रेशनल, इरेशनल जो नंबर है वो होते हैं 9th क्लास की ये यूनिट रहेगी, जहाँ पे हमें इनको क्या बताना है, इनकी प्रॉपर्टी बतानी है और इनकी जो नंबर लाइन होती है ना वहाँ पे हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। तो ये वाला टॉपिक आपका रहेगा 9th क्लास का। तो अगर आप टीजीटी के लिए जाते हो ना तो आपने ये नहीं सोचना कि टीजीटी आपकी 6 to 8 वाली है वो क्लासेज होती है, नहीं। टीजीटी में आपको जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी वो 6 to 10 पढ़नी पड़ेंगी। अगर 6 to 8 पढ़ के जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 6 to 10 पढ़ के भी हम यहाँ पे 40-45 मार्क्स ही ले पाते हैं, इतना अच्छा करके भी, क्योंकि वहाँ पे फिर वो 11th-12th है सिलेबस, वो भी वहाँ पे जोड़ देते हैं इस करके। तो यहाँ पे हमने 6 to 10 है उनको तो करना ही करना है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर का, और उनको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्लास 9th का रहेगा। उसके बाद ये एलसीएम एचसीएफ, देखो यहाँ तक अब हम आए हैं तो एलसीएम एचसीएफ है वो वाला टॉपिक हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपका क्लास 6th का रहेगा। उसके बाद किसका एलसीएम एचसीएफ, नेचुरल नंबर का, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लास 6th का रहेगा। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर रूट किसका, ये आपको 20 से 25 याद होने चाहिए, अदरवाइज आपकी स्पीड अच्छी है तो आप वहां पे निकाल के भी देख सकते हो। उसके बाद क्यूब किसका होता है, और क्यूब रूट, सिंपल ऐसे ये वाली चीजें हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, एलसीएम टाइप से, कि जो 2 बार कॉमन आएगा वो स्क्वायर रूट है, हम ऐसे निकाल लें अगर हमारे पास टाइम है और आपकी स्पीड है वो अच्छी खासी है। यहाँ पे जो डिजिट 3 बार आएगी हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऐसे हम भी इसका क्यूब रूट है वो निकाल लेते हैं। तो ये वाली दोनों यूनिट रहेंगी आपकी 8th क्लास की। उसके बाद 9th जो आपका चैप्टर है वो है लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट। ये वाली जो चैप्टर है आपका, ये वाला जो चैप्टर है वो रहेगा क्लास 7th और क्लास 8th से। उसके बाद 10th जो चैप्टर है आपका वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 6th और 7th क्लास दोनों में ही आता। तो आपने 6 to 10 एनसीईआरटी कर लो, सारा ही सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन किस में आता है, 6th और 7th में। उसके बाद परसेंटेज है, ये 7th में भी आता है, 8th में भी आता है। और ये वाली चीज देखो ये जो परसेंटेज है ना वो हमें कॉमन पार्ट के लिए भी चाहिए होता है। तो अगर हमने कॉमन पार्ट वाली परसेंटेज की है तो हम ये बच्चों वाले जो सम होंगे वो तो इजीली निकाल पाएंगे। तो अगर वो वाले कर रखे ना तो फिर वो चीजें आपकी यहाँ पे काम आएंगी। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल जो आपको 6th में मिलेगा, 7th में मिलेगा, 9th में मिलेगा। चैप्टर 13 फ्रैक्शन, जो आपको 6th में मिलेगा, 7th में। उसके बाद चैप्टर 14 प्रॉफिट एंड लॉस, ये 7th में मिलेगा, 8th में। तो ये वाला भी, और साथ में डिस्काउंट ये वाला उसमें भी आता है, कॉमन पोर्शन के लिए भी
हमें चाहिए होता है, तो ये वहां से भी आपका हो जाएगा, 7-8 में ये आता है अगर आपने वहां से पढ़ना है। उसके बाद टाइम वर्क, ये भी हमारा कॉमन उसमें आता है, जो कॉमन 10 मार्क्स का जो मैथ आता है ना उसमें आता है, तो ये रहेगा आपका 8th क्लास का। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है ये वाला रहेगा आपका क्लास 8th का। उसके बाद क्वेश्चन, ये जो चैप्टर 17 है यूनिटरी मेथड, ये आपको 8th में भी है, 6th में, 7th में भी है, तो यहाँ से आपको इन वाली बुक से ये करना है। उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज, 7th में भी रहेगा आपका, 8th में भी रहेगा। उसके बाद कुछ जो चैप्टर 19 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला है ना, ये 10th का चैप्टर है, और यहाँ पे इसका एक तो ये है इंट्रोडक्शन का, और बाद में इसकी आती है एप्लीकेशन। ये वाला कंप्लीट जो चैप्टर है वो मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है, अगर आपने करना है तो वहां से देख सकते हो। एनसीईआरटी के जितने भी सम वहां से बनते हैं, एक एक सम की मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया। बाकी तो छोटी मोटी क्लासेस के चैप्टर है, इनको आप एक एक घंटे में निपटा सकते हो, अगर आप अपने सब्जेक्ट को एक दिन में 2 घंटे भी देते हो तो इजिली आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। और यहाँ से एनसीईआरटी से ही करना बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि पहले आप इन चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है, जो हमने फर्स्ट जो ये था नंबर सिस्टम अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये वाली जो यूनिट्स हैं वो हमारी कंप्लीट होती है, ये वाले चैप्टर। अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट को पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट में अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको मैं सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, अलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला। तो यहाँ पे ये वाली जो यूनिट हमने लिखी है, देखो मैक्सिमम जो पोर्शन है ना आपको 6 to 10 का ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये नहीं भी देखना ना कौन सी यूनिट कौन से क्लास से आएगी, तो भी आपने 6 to 10 की एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कर लेना, बाकी आपका ये सिलेबस है हो जाएगा। फिर भी हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं एक बार। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, जो हमारी अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है, तो ये वाला जो है ना ये उसके कॉमन पार्ट में भी आता है, ये वाला टॉपिक मैंने भी करवाया अपने चैनल पे। तो यहाँ पे ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 7-8 से आता है, जैसे ये वाली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का स्क्वायर वाली, ए प्लस बी का क्यूब वाली, ये वाली चीजें 7 और 8 में आना शुरू हो जाती है, बाकी 10th तक ये आती रहती है। फिर और उसके बाद फैक्टराइजेशन की, फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, वो भी आपका 8th और 9th क्लास में आना शुरू हो जाता है, तो वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो वहां से हमें उसके फैक्टर बनाने हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स, और उसके ग्राफ बनाने हैं हमने, हमने बताना है कि एक वेरिएबल में हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो देखो ये दो टाइप से होता है, एक तो हमें इक्वेशन दी गई होगी और वहां से हमें उसका ग्राफ बनाना होगा, एक हमारे को एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी जाती है पहले, वहां से हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम उसका ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो ये वाले समय ऐसे होते हैं, जैसे ये होते हैं 4 बैट और 5 बॉल्स का प्राइस ये है, 6 बैट और 4 बॉल का प्राइस ये है, तो वहां से हमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज पुट करके वहां पे उनका ग्राफ है वो बनाना होता है। तो वो वाली चीज यहाँ पे आती है, आपकी 9th में आती है और 10th में, वो दोनों क्लासेस में आती है। ओवरऑल कंक्लूजन आप ये देखोगे ना यही निकलेगा कि 6 to 10 एनसीईआरटी है वो कंपल्सरी है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स भी आपका 9th और 10th का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको मिलेगा 10th क्लास में। तो यहाँ से ये वाली चीजें होती है कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये एपी वाले सम होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो एपी वाला है वो क्लास 10th का 5th चैप्टर है। ये मैंने अपने चैनल पे जितने भी सम थे ना उसमें मेरे ख्याल में एक्सरसाइज मतलब 25, 26 पता नहीं 30 सम है, 5.1, 5.2 और 5.3 तीन एक्सरसाइज वहाँ पे है, वो सारी की सारी मैंने अपने चैनल पे भी करवाई है, अगर वहां से देखना चाहो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज आपने एनसीईआरटी से इनको सारियों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एपी वाला जो टॉपिक रहेगा वो आपका क्लास 10th का रहेगा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 7 है वो डाटा हैंडलिंग का है, वो आपका रहेगा 7 में भी आ जाता है थोड़ा सा इसका पोर्शन, और आपका 8th में भी आ जाता है। उसके बाद एवरेज रहेगा आपका 8th क्लास का, एवरेज है वो हमारा कॉमन पोर्शन का जो मैथ होता है उसमें भी आता है, तो एवरेज रहेगा आपका क्लास 8 का। उसके बाद ये वाला है ना ये पाई डायग्राम, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम, ये सारे ही एक ही चैप्टर में आते हैं, मीन्स ये एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं, इनमें डाटा बस अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें अलग से, इसमें अलग से, इसमें अलग से, बाकी डाटा रिप्रेजेंटेशन के ये मेथड होते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका क्लास 8th का रहेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है ये आपका क्लास 9th का चैप्टर रहेगा। उसके बाद हमारा 13 चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी, मीन
टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन है उसका जो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट होता है ना, हम देख के बताते हैं, वो वाला था क्लास 7 में, और 10th में आता है जैसे हम एक डाटा की टेबल दी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसका मुझे पता ही आता है। वहां पे आपको टेबल दी मिलेगी, वहां से आपको फॉर्मूले होते हैं उनके, वहां से आपको मीन मोड मीडियन है वो निकालना होता है, वो एक्स आई दिया होता है, एफ आई दिया होता है, वहां से हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, तो वो वाला वहां पे दिया होता है। तो ये वाला आपका क्लास 10th वाला मैक्सिमम आता है यहाँ पे, लेकिन 7th वाला देख लेना एक बार, क्योंकि 7th से ही आप 10th वाला जो समझ पाओगे। उसके बाद लास्ट है चैप्टर, वो है 14 प्रोबेबिलिटी, तो ये वाला चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पे करवाया, वो ये वाला है क्लास 10th का। तो इसमें तो एक ही फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी में, तो पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो ये वाला जो था, ये चैप्टर थे आपके किसके थे, अलजेब्रा के, स्टेटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 है, इसके दो पार्ट है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम पहले थर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। हमारा रहेगा अब थर्ड पार्ट वाला पोर्शन, दो पार्ट हम इसका डिस्कस कर लिए हमने, अब ये थर्ड वाला डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि कौन सी यूनिट्स हैं और कौन सी क्लासें आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो थर्ड पोर्शन वो क्या है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये वाला हमारा थर्ड टॉपिक है वो रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, इक्लिड्स ज्योमेट्री, जो इक्लिड्स ज्योमेट्री होती है वो आपका कौन सी क्लास का टॉपिक रहेगा, क्लास 9th का जो ये चैप्टर है आपका रहेगा। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, जो ये लाइंस और एंगल्स वाला चैप्टर है ये आपको थोड़ा सा पोर्शन 7th क्लास में मिलेगा, थोड़ा सा 9th में, तो इन दोनों को आपने करना है। उसके बाद लाइंस ऑफ सिमिट्री, ये वाला जो है ना इसका थोड़ा सा 6th में आता, थोड़ा सा 7th में, थोड़ा सा नाम आगे पीछे करके चैप्टर ये 6th में भी है, चैप्टर ये 7th में भी है, तो यहाँ से आपने 6th और 7th दोनों के एनसीईआरटी टर्म करने वाले हैं, चाहे 6th में हो 7th में, हमारा अपने आप ही वो कवर हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल क्या होती है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स कैसे कैसे होते हैं, साइड कैसे कैसे होती है, ये वाला रहेगा आपका क्लास 7th का। उसके बाद चैप्टर 5 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ इट्स सेंटर, कौन सी हमारे पास ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल कैसे होती है, ये हमारे पास आइसोस्केलस कैसे होती है, ये वाली ट्रायंगल उनकी टाइप होती है और उसके अलग अलग जो सेंटर की काइंड होती है वो हमारे पास 7th में भी रहेगा और 10th में भी। 10th में थोड़ा अब्रॉड मिलेगा, 7th में थोड़ा हा इसको वहाँ पे वो स्मॉल करके लिखा मिलेगा, लेकिन आपने 10th वाला करना क्योंकि टीजीटी बेस भले ही हो यहाँ पे 9th-10th से ज्यादा आता है। उसके बाद पैरामीटर एंड एरिया, ये आपका रहेगा सिंपल, किस जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है उसका क्या पैरामीटर होगा, क्या एरिया होगा, वो आपको क्लास 7th में मिलेगा। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि कौन से ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, कौन सी ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे, जब उनमें साइड सेम हो, एंगल सेम हो, तब हम उनको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ये वाली चीज रहेगी आपकी क्लास 9th की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेगुलर पॉलीगॉन, जो हमारा ये वाला चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्लास 8th का। चैप्टर 9 है क्वाड्रिलेटरल्स, ये वाला आपका 8th में भी मिलेगा, आपको 9th में भी मिलेगा। उसके बाद चैप्टर 10 सर्कल्स एंड एरिया, जो भी सर्कल होगा और उसका एरिया होगा उसका थोड़ा सा पोर्शन 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, दोनों को करना है। तो देखो सर्कल करना, उसका एरिया कैसे कैसे यूज होता है वो हमने देखना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका रहेगा क्लास 10th का टॉपिक। उसके बाद 12th चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, ये वाला रहेगा आपका 9th साइड 9th क्लास का, जिसको हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद पाइथागोरियन थ्योरम, ये आपका क्लास 10th का रहेगा, बाकी पाइथागोरस थ्योरम का हमें सबको पता होता है कैसे इसको यूज करना है। उसके बाद 14 रहेगा चैप्टर 14 रहेगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जो अलग अलग सॉलिड शेप्स होती हैं उसको हम किसको कैसे क्या बोलते हैं, वो आपका क्लास 7 का चैप्टर है वो रहेगा। उसके बाद चैप्टर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का जो एरिया होगा वो रहेगा आपका क्लास 8th का। यहाँ पे देखो 7-8 में ये बेसिक सी चीजें दी होती है, फॉर्मूला दिया होता है और सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, इन्हीं चीजों को आगे वाले 9th क्लास में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं, इतना ही डिफरेंस होता है। उसके बाद देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, और क्या होता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हमने एक स्फीयर लिया उसके ऊपर कोन डाल दी, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं कंबाइन, हमने एक सिलेंडर के ऊपर कोन रख दी कंबाइन एरिया, वहां पे जाके हम निकालते हैं ना, तो ये वाला जो सारा पोर्शन रहेगा वो आपका थोड़ा सा 9th में मिलेगा, थोड़ा सा 10th में मिलेगा। तो यहाँ पे आपने इनको करना है, ये वाला क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल अगर आपको फॉर्मूले पता है तो ही आप कर पाओगे, और एक दो बार इनको क्या करो अभी सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो, बार बार इनको रिवाइज करो, तो ये वाली चीजें आपके माइंड से स्किप नहीं होंगी। ये वाला हमारा थर्ड पोर्शन था और लास्ट पोर्शन था कि कौन सी आपकी यूनिट कौन से उससे रहेगी। वैसे देखने को तो ये आपको ये लग रहा कि ये जो सिलेबस है बहुत लेंथी है, चैप्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वो वाली बात भी ठीक है, लेकिन
जो ये 6 7 के जो चैप्टर होते हैं उनमें इतना ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लगता। बाकी जो देखो 9 10 के चैप्टर हैं उनको तो उनमें टाइम तो लगता ही है, जब हम निकालते हैं तब भी टाइम लगता। तो ये वाली चीजें मैथ है ना वो प्रैक्टिस मांगता है। और रही बात तो यहाँ पे एग्जाम में टाइम भी कम रह जाता है इसी वजह से, क्योंकि मैथ तो जब हम कॉमन पोर्शन वाला ही निकालते हैं तो वहीं पे हमारा टाइम कम रह जाता। तो यहाँ पे तो हमारे पास 60 क्वेश्चन होते हैं, तो अपने जल्दी जल्दी पहले उन क्वेश्चन को करना होता है कि जो हमें देखते ही आते हैं, मीन्स देखते ही हम उनको निकाल सकते हैं इजिली, और जो जिनमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है उनको बाद के लिए छोड़ना होता है। फिलहाल जो हमारा टीजीटी मैथ का सिलेबस है वो यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।